अभी पूरा पैकिंग चालू है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, मैंने ग्रोसरी पैकिंग हो चुकी है, अभी क्लोथ की पैकिंग चल रही है। ओके, सो आपको थोड़ा कैमरा बैक करता हूँ और दिखाऊँ। क्लोथ की पैकिंग चालू है, देन मैं इस टाइम क्या करूँगा। हाँ, लास्ट टाइम मैं आपको, ये देखो, ये मेरे शेफ शेफ के मीन्स पैंड है। ओके, शेफ कोट मैं सिलाने डाला हूँ, और ये टाइम पे ये पैंड है ना, एक्चुअली नीचे से मुझे ये करना है, थोड़ा अल्टर करना है, तो करूँगा। फिर पूरे ही अच्छी तरह से पैकिंग करनी है, क्योंकि जो जो नए क्लोथ्स है वो ले रहा हूँ, और जो जूने जूने क्लोथ्स है वो साइड में करूँगा। ओके, सी यू लेटर। अच्छा, मधे बघूया, एक एक घालून बघणार है, चेंजेस करके देखूंगा, जो सूट होता है मुझे तो वेयर करके देखते हैं। चलो गाइस, और ये स्लीपर भी लिया है, इसमें लिया। प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो इसका बटन टूट गया है। अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मस्त स्मूथ लग रहा है, थोड़ा लूज है, एटलीस्ट थोड़ी बॉडी भी बढ़ गई तो प्रॉब्लम नहीं है। लुक वाइज में कुछ इस तरह दिख रहा है, वाह, अच्छा तो लग रहा है। प्रॉब्लम हो चुका है एक्चुअली, तो ये डिसाइडेड किया क्योंकि ये बाइसेप को टाइट नहीं है, शायद से थोड़ी बॉडी बढ़ गई तो ये कंफर्टेबल लग रहा है। साइज में सेम है तो ये लेता हूँ। शॉर्ट्स में तो मैंने, सॉरी, ये मेरा टी शर्ट है, शॉर्ट्स में वन ये शॉर्ट्स एंड ये सेकेंड शॉर्ट्स। ओके, दो ही शॉर्ट्स मेरे को मिले अच्छे, तो देखते हैं वेयर करके फिर पता चलेगा। ओके, शॉर्ट्स में कुछ इस तरह शॉर्ट लग रहा है, लेकिन अच्छा है। ओके, सो एक्चुअली इतना पूरा वेयर करके देखने के बाद में मुझे पता चला ओनली टू अच्छा लग रहा है, मीन्स शर्ट्स लिया है एंड हाफ शॉर्ट्स। सो सनग्लास भी लेना है और शॉपिंग बाकी है। सो इसका जो भी वीडियो है वो बाद में कंटिन्यू होएगा, सो बाद में देखना। सी यू लेटर। मेरे पास ऑफर अच्छा आया। हाँ, नहीं, मैं कितने दिनों के बाद आया आपके पास। ओके, अभी सबसे पहले हम वेयर करेंगे। मम्मा इधर बैठी है मेरी, थक गई मम्मा के वेयर करके। तो आप देख सकते हो अभी ये मैं तीन चॉइस कर रहा हूँ जीन्स, ये है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट कैमरा, ये कलर, देन अनदर ये एंड अनदर ये। सो कैमरा पैक करता हूँ। देखो गाइज, हम जब अच्छी चीज लेंगे ना तो अच्छे से टिकता है। देखो पफर्ड है, देन एंकल में भी देखना, देख लेना, ये पूरा एंकल प्रॉपर है, सीट पे भी मेरे प्रॉपर बैठ रहा है, यहाँ पर भी मतलब एग्जैक्ट है, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये फिक्स किया। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए बता देना, मैं कहाँ से लेता हूँ क्या। मस्त है, देखो। नेक्स्ट ट्राई करता हूँ दूसरा, जो कि मुझे पसंद आया है। अभी ये नेक्स्ट है, वाह, देखो एकदम कंफर्टेबल साइज है, वेरी नाइस, सीट पे भी प्रॉपर है और यहाँ पे भी, और पूरा स्मूथ है गाइस, बहुत पसंद है मेरे को, अच्छा लग रहा है लुकिंग में भी। जींस जो कि इसमें देखेंगे। ओके, ऑलमोस्ट जींस हो चुके हैं, अभी बिल पे करेंगे और टी शर्ट भी लेना और दूसरा शॉपिंग करना है। सी यू लेटर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, एंड थैंक यू आप लोगों ने इतना ब्लॉग देखा, अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हो उसके लिए सही दिल से थैंक यू सो मच गाइज। अभी आपको एक बात बताना है, एक्चुअली है ना, आपकी जब शॉपिंग करना है, आपकी जो भी पैकिंग करना है, 2 days या 3 days बिफोर पैक करके रखो। अभी मुझे 2 दिन बचे हैं, नहीं सॉरी, या ऑलमोस्ट 3 days बचे हैं समझो।
सो 3 डेज में मैं आज फुल मेरे क्लोथ की पैकिंग करूंगा। वैसे तो मैंने, आपने देखा ही होगा ये वीडियो, पूरा मैंने शॉपिंग किया है गाइज। अगर आपको चाहिए, मीन्स मैं कहाँ से शॉपिंग करता हूँ, सॉक्स कहाँ से लेता हूँ, सब चीज़ें रिजनेबल में मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं बहुत एक्सपेंसिव। ओके, अगर इसका ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में, ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ से चीज़ें लेता हूँ। नेक्स्ट, हाँ, फ्रॉम बिलोंग टू मुंबई, अगर आप मुंबई में रहते हो तो, अगर आप मुंबई आउट ऑफ मुंबई के बाहर रहते हो तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पैंट्स के बारे में। ओके, तो अभी मैं जा रहा हूँ अल्टर करने के लिए पैंट्स, मीन्स लाइक नीचे से, लास्ट टाइम मेरी हेल्थ बढ़ने से मेरे को नीचे से ये शॉर्ट्स हो रहे थे। ओके, तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा और थोड़ा स्टिच करके लेके आऊँगा। सो ये फाइनल होने के बाद में मैं पूरा अच्छी तरह से वेट करके बैग में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करूँगा, फिर फुल रेडी पैक करके रखूँगा, और हो सके तो शाम को ही मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं रेडी करके रखूँगा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊँगा मैंने क्या क्या कैरी किया है। ओके, सो ये सब मैं रेडी करके रखूँगा, और शाम को जाना है मुझे शादी में। तो आज फैमिली में शादी है, और शादी में मेरे को एक बात याद आता है यार, जब मम्मा फर्स्ट टाइम ऐसा शादी में या किसी फंक्शन में जाती थी, तब मैं पढ़ाई में मतलब मैं 10 फेल हो चुका था, और मम्मा शादी या किधर फंक्शन में चली जाती थी तो रिलेटिव लोग कहते हैं ना, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। मिलने के बाद मालूम है ना, सब चालू हो जाता है, मतलब लेक्चर चालू हो जाता है। ओके, सो दैट टाइम माई मम्मा, मीन्स लाइक मेरी सिस्टर एंड मॉम, सैड होते थे और बोलते थे फेल हो गया है, 10 फेल हुआ है। एनीवे, सब बात करने के बाद इमोशनल होते थे, मालूम है ना, दूसरे को सुनने के बाद में। तो घर में आने के बाद मॉम मतलब चिल्लाती थी तो नहीं, लेकिन बोलती थी, प्यार से समझाती थी सिस्टर भी, और वो लोग कभी कभी रोते थे, तो मैं उनको देख के रियली लिटरली सैड हो जाता था। तो मैंने दिल पे लिया था, सीरियस लिया था, नहीं मैं करूँगा 10 पास होऊंगा, और 10 पास हो गया गाइस। वो कहाँ से किया वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, मैंने स्कूल कहाँ से किया, मीन्स लाइक मैंने पढ़ाई कहाँ से की, 10 पास फेल होने के बाद मैं कैसे स्ट्रगल किया, वो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सी यू, बाय, आई लव यू माई टू फैमिली, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू।